हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। आज सावन का पहला दिन है और पहले दिन ही सोमवार भी है, जो बहुत ही अच्छा संयोग है। तो आज हम सभी व्रत हैं और जो लोग भी सावन का व्रत करते हैं वो आज व्रत होंगे। और इस महीने में 5 सोमवार पड़ा है तो 5 दिन व्रत करेंगे हम सब। आज ब्रेकफास्ट में कुछ भी स्पेशल नहीं है। ये मम्मी जी की आलू परवल की सब्जी बन रही है और ये लौकी जो मैं अपने फलाहार के लिए बना रही हूँ, थोड़े से घी और जीरा में। और हस्बैंड ने दूध कॉर्नफ्लेक्स लिया नाश्ते में और बच्चों ने पनीर सैंडविच। तो ऐसे रहा हमारा नाश्ता लाइट सा। और इन सब के साथ ही मैंने सोचा कि मैं पूजा की तैयारी भी कर लूँ, तो बर्तन भी धुला दिया और फूल तोड़ने आ गई हूँ मैं। और ये रहे गुड़हल के फूल। आज जो संख्या इनकी कम दिख रही है तो मैंने सिर्फ 4 ही फूल तोड़े हैं, क्योंकि रोज ही फूल चाहिए होगा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन 4 फूल से हमारा काम चल जाएगा। तो मैंने सिर्फ बहुत मुश्किल से फूलों को तोड़ी हूँ मैं, प्लेट कैमरा और फूल तीनों का बैलेंस बनाते हुए। फूल तो हो गए, अब पूजा के लिए बेलपत्र भी चाहिए। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना बहुत अच्छा होता है सावन में, सो मैं बेलपत्र लेने जा रही हूँ। हमारे खेत में एक बेल का पेड़ है जिसकी पत्तियाँ बहुत ही ताज़ी और अच्छी हैं, थोड़े बड़े हो गए, पहले बहुत छोटा था। तो इस पूजा के लिए काम आएंगी इनकी पत्तियाँ, और इसमें कोई कटी पिटी भी नहीं है, तो मैं इसमें से पत्तियाँ तोड़ ले रही हूँ। मैं और मम्मी जी दोनों चढ़ा लेंगे पूजा करने के टाइम। प्लेट को नीचे रख दिया है मैंने और अभी मैं आराम से बेलपत्र तोड़ूंगी, क्योंकि एक हाथ से अगर बैलेंस बिगड़ा और पत्तियाँ या फूल नीचे गिर गए तो फिर वो अशुद्ध हो जाएंगे नीचे ज़मीन पर गिरने की वजह से, फिर उन्हें नहीं चढ़ा सकेंगे, तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और फूल और बेलपत्र भी बर्बाद होंगे। सो मैं आराम से उनको नीचे रख दी और मैं आराम से तोड़ी हूँ। तो 5-7 पत्तियों को मैं तोड़ूंगी ताकि हम दोनों मिलकर चढ़ा सकें, इतना बहुत होगा। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप बेलपत्र तोड़ते हैं तो उसमें कोई भी पत्ती कटी पिटी नहीं होनी चाहिए और हर एक में 3 पत्तियाँ एक साथ होनी चाहिए। उसमें एक या दो पत्ती सिर्फ हो तो वो पूजा में चढ़ाने के लायक नहीं होती है, तो 3 का एक सेट ही एक पत्ती कहलाता है बेलपत्र का। तो इस तरह से मैंने अब ये धो लिया है पत्तियों को और गुड़हल के फूल को भी, और बर्तन भी धुल गए हैं। तो पूजा की तैयारी मेरी हो गई है आधी और बाकी मुझे अब नहाना रह गया है। फाइनली मैंने नहा लिया और पूजा भी मेरी कंप्लीट हो गई है। और आप देख सकते हैं भगवान जी के दर्शन करना कितना अच्छा होता है। आप सभी भी दर्शन कर लीजिए शिव जी का और मेरे सभी भगवान जी का, लक्ष्मी जी, गणेश जी, हनुमान जी का। तो अभी टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट करने का। मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर आ गई हूँ चैनल पे, और यहाँ खुले में हरियाली के बीच में नाश्ता करने का कुछ अलग ही मज़ा है। और मैंने अपने नाश्ते में बनाया है साबूदाने की खीर। हाँ, लौकी की जो सब्ज़ी बनाई वो मैं लंच में करूँगी, अभी मैं साबूदाने की खीर बनाई हूँ अपने लिए और मैं वही खा रही हूँ। और खाने के बाद मैं अंदर आ गई, क्योंकि ठंडा नहीं है मौसम, देखने में तो अच्छा लग रहा है बट गर्मी है, तो मैं अंदर आ गई लॉबी में। और साथ ही मैंने बच्चों की मस्ती भी कुछ रिकॉर्ड कर ली है। बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते कैमरे के सामने। आज बेटे ने बोला कि मम्मा व्लॉग नहीं बना रही है, सो मैंने स्टार्ट किया व्लॉग बनाना, लेकिन कैमरे के सामने वो लोग कंफर्टेबल नहीं होते, कुछ बोलते नहीं है। तो मैंने एक छोटी सी झलकी ले ली और हमारी चाय हो गई, सब कुछ हो गया, अभी मैं डिनर की तैयारी में आ गई हूँ। किचन में और मैं सबके लिए बना रही हूँ नेनुए की सब्जी, जिसे तोरी की सब्जी भी कहते हैं, और रोटी बनाऊंगी और ख़ुद के लिए बनाऊंगी साबूदाने और आलू की टिक्की और टमाटर की चटनी, जिसे मैं दूसरों को भी सर्व करूंगी जो लोग व्रत नहीं है। तो ये रहा हमारा डिनर, और साथ में रहेगा आम, और जिसे दूध लेना वो दूध लेगा। तो अभी तो आम का सीज़न चल रहा है, जब तक मिलेगा मार्केट में तब तक हम आम खाते रहेंगे। तो बस ऐसा हमारा डिनर है। किचन के कॉर्नर में आपको थोड़ी गंदगी दिख रही होगी। यहाँ पर एक्चुअली एक रैक था जो कि अभी साफ होने के लिए, पेंट होने के लिए गया है, जो हम अब नए घर में शिफ्ट होंगे तो वहाँ पर यूज होगा। तो धीरे धीरे चीज़ें हमारे रिपेयर होने के लिए जा रही हैं और गंदगी दिख रही है कोने की, तो इसको मैंने साफ़ किया, अभी ढंग से क्लीन नहीं हुआ, अभी फिर से साफ़ करना है। तो ये स्पॉट चूँकि बहुत सालों से कि रैक वहाँ पे फिक्स था, तो बाहर से तो हम साफ़ कर सकते हैं बट वॉल नहीं साफ़ कर सकते थे, तो वहाँ की गंदगी जम गई है जो बहुत मुश्किल से छूटेगी। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी इसे साफ़ कराने की। और सो ये कैमरे में आ रहा है, होप आप सभी इसे समझेंगे। तो मैंने सब्जी की तैयारी शुरू कर दी है, मैं लहसुन प्याज आलू और नेनुए सब काट कर डाल रही हूँ, और फटाफट मेरी सब्जी बन जाएगी। जब प्रिपरेशन होती है सब्जी की तो बस 10 मिनट में वो आप कारपेट के छोंक देते हैं और फिर गलने लगती है। नेनुए में तो टाइम नहीं लगता, बस जो भी टाइम लगता है गलने में।
और ये बहुत अच्छी सब्जी है गर्मी की, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। और इसके साथ चपाती, सब यही पसंद करते हैं, कोई चटपटी सब्जी होती तो साथ में पराठा खाते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि मैं आलू साबूदाने की टिक्की बनाऊंगी, डीप फ्राई करने पे और टेस्टी होता, बट नहीं डीप फ्राई नहीं करूंगी, बहुत ऑयल हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ मैंने आज अपने लिए नहीं बनाया, बस क्वांटिटी इतना खा लिया कि भूख नहीं लगे। और शाम को मैंने हाँ मूँगफली और मखाने भी भुने थे और सबको दिए, सबने थोड़ा थोड़ा खाया चाय के साथ। तो ऐसे हमारी चाय का, बस यही रूटीन है हमारी। और आपकी कैसी है, आप भी अपनी रूटीन ज़रूर शेयर करिए मेरे साथ। हम होम मेकर का बहुत सारा टाइम किचन में चला जाता है, हर मील को पकाने में, साथ में चाय, नाश्ता, पानी और पूरी अरेंजमेंट करने में किचन का। इसके अलावा घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, तो ये बहुत एक लंबा और थकाऊ काम है। बट बीच बीच में आप ब्रेक ले लीजिए इस काम से, कहीं घूमने चले जाइए, किसी से मिलिए जुलिए, कुछ अपने शौक भी पूरे करिए, तो इस काम में भी बहुत इंटरेस्ट आता है। क्योंकि आप जब बाहर जाते हो तो आपको हमेशा घर की याद आती है, लगता है कि बस घर पहुंच जाओ और फिर रेस्ट मोड में आ जाओ। और जो दिन भर घर में रहता है वो घर से बोर होता है। तो आप जिस भी रूटीन में हो, आप बाहर का काम करते हो, घर का काम करते हो, अपने रूटीन में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा चेंज करना चाहिए ताकि लाइफ इंटरेस्टिंग बन सके। क्योंकि एक ही रूटीन में कभी कोई नहीं पसंद करता है रहना। तो ये मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ अपनी सब्जी को। और हाँ, नेनुए की सब्जी में मैं बहुत ज़्यादा प्याज वगैरह को ब्राउन नहीं करती हूँ, क्योंकि सब्जी में कलर ब्राउन आ जाता है। अभी मैंने सब्जी को थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर लिया, तो देखेंगे आप, मेरे सब्जी का कलर ब्राउन हो गया है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल लाइट ग्रीन या वाइट होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। और जितना प्याज गोल्डन ब्राउन होगा वो जलेगा, तो उसका कड़वापन भी आता है सब्जी में। तो जब आप वो कलर में वाइट रहता है, कुछ भी ब्राउन नहीं होता, तो बिल्कुल फ्रेश सा लगता है। तो बस इन सब्जियों को मैं तेल गर्म करती हूँ, उसमें जीरा मिर्चा लहसुन का तड़का दिया, प्याज डाला। प्याज अभी वाइट ही है, लाइट गोल्डन, लाइट बहुत लाइट कलर में होता है, तो ही मैं उसमें आलू डाल देती हूँ। आलू एक या दो डाल देती हूँ क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि आलू से ये अच्छे गल जाते हैं और थिकनेस आती है, मिठास भी आती है। तो एक आलू तो मैं डालती हूँ, कभी दो डाल दिया अगर सब्जी की मात्रा कम है तो, और फिर नेनुआ मैं महीन काट के डाल देती हूँ। और हाँ, इनको मैं मैश करती हूँ और पानी को थोड़ा सुखाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाती, क्योंकि इन हरी सब्जियों के जो पानी होते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, बट बहुत पनीली सब्जियों की तो कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा गाढ़ा करती हूँ, लेकिन पानी एकदम से नहीं सुखाती। तो मैं हर सब्जी को गीला रखती हूँ, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमारे लाइफ में काम देते हैं, हमें एक्सपीरियंस से ही पता चलता है या थोड़ी नॉलेज होती है तो ही पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको अपने हेल्थ को भी ध्यान देना चाहिए कि क्या, कौन सी चीज़ मेरे लिए हेल्दी है, तो उन्हीं बातों को फॉलो करना चाहिए। बाकी सबका डिनर लगभग कंप्लीट हो चुका है और अब मैं भी जा रही हूँ अपना फलाहार करने के लिए, आलू साबूदाने की टिक्की या पैटीज़ कह सकते हैं, और टमाटर की चटनी के साथ। तो अब मैं अपना फलाहार एंजॉय करने जा रही हूँ, और आप भी अपना फलाहार या अपना डिनर एंजॉय करिए। सो डिनर कंप्लीट हो गया हमारा, और इसके साथ ही हमारा आज का दिन भी कंप्लीट होता है और ये व्लॉग भी। तो व्लॉग एंड करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।